टीएफआर 2024 का जो सेक्शन सी का जो पीएचडी लेवल का जो इस क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो ये जो इसको हम देखेंगे, तो पहला जो आपका है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो साई आपका गिवन है, साई जो आपका गिवन है 1/π^4√i(px)h^-x^2a^2 आपका गिवन है। तो आपका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो आपका होगा -h^2 आपका होगा 1/π√π आपका a होगा, तो इंटीग्रेशन -∞ to +∞ होगा (e^-ipx/h^2 होगा (e^-x^2 होगा (del^2 होगा (e^ipx/h^2 होगा (e^-x^2 आपका होगा। इसको हम डेरिवेटिव करेंगे, तो पहले जो (del^(ipx/h^2) इसको हम डेरिवेटिव करेंगे, तो इसको डेरिवेटिव करने के लिए जो हम करेगा (e^(ipx/h^2) आपका आएगा, तो यहाँ पर जो आएगा (ip/h^2) आएगा माइनस जो आपका आएगा (x/a^2) आपका आएगा। फिर इसको हम डेरिवेटिव करेंगे (del^(del^x^2) जो आपका आएगा, इस पूरे टर्म को हम डेरिवेटिव करेंगे, तो ये जो हमारा आएगा इस टर्म को (del/del^x) इस टर्म को, तो ये जो हमारा आएगा, तो हमारा जो आपका आएगा तो (ip/h^-x/a^2) उसका होल स्क्वायर आएगा कुछ इस तरह से, इसको डेरिवेटिव करेंगे, प्लस आपका आएगा -1/a^2 आपका आएगा, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो इसका आएगा, तो होल जो आपका आएगा (ipx/h^-x^2) आपका आएगा कुछ इस तरह से आपका आएगा। तो इसको हम पुट कर देंगे, तो इसको हम जब पुट करेंगे तो हमारा आएगा, इसको हम पुट करेंगे तो हमारा आएगा इस वैल्यू में, जब हम पुट करेंगे तो हमारा आएगा इसका वैल्यू, तो हमारा जो वैल्यू आएगा, तो जो आया एवरेज टी जो आया -h^2 √π(a)-∞ to +∞ (ipx) कट जाएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, -x^2/a^2 आएगा, तो हमारा जो आया (-p^2)/h^2 आएगा, प्लस जो आएगा (x^2)/4 आएगा, और जो आएगा माइनस जो आएगा (2i px/h^2)/a^2 जो आएगा कुछ इस तरह से आएगा, और जो आएगा -1/a^2 आपका आएगा (dx) आपका आएगा कुछ इस तरह से, आपका वैल्यू आपका आएगा। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारा आएगा, तो इसको हम करेंगे, तो ये आपका ऑड फंक्शन है, इसको हम सेपरेट करेंगे तो ये आपका ऑड फंक्शन हो जाएगा, तो (-h^2)/(2m√π)(-∞ to +∞) (-p^2)/(h^2) ठीक है कुछ इस तरह से आएगा (-p^2)/(h^2) आएगा (e^-x^2)/(dx) आएगा (dx) प्लस जो आएगा आपका कुछ इस तरह से आएगा, प्लस जो आपका आएगा (x^2)/(a^2)-∞ to +∞ (-x^2)/(dx) आएगा (dx) आएगा। ये तो आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि ऑड फंक्शन है, तो आपका जो आएगा -1/a^2 आएगा (e^-x^2)/(dx) आपका आएगा (+∞ to -∞) आएगा। तो पहला जो इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा h^2 √
पाई है, पी स्क्वायर जो आपका प्लस हो जाएगा डिवाइडेड एच का स्क्वायर आपका आएगा, और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन पाई बाई ए आएगा तो वन बाई ए आपका क्या होगा ए हो जाएगा, ए कट जाएगा, एच का स्क्वायर कट जाएगा, प्लस जो आपका आएगा इस दोनों इंटीग्रेशन के जो नहीं है जो आपका आएगा एच का स्क्वायर आएगा फोर ए स्क्वायर एम आपका आएगा। तो जो आंसर आएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड टू एम प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड फोर ए स्क्वायर इंटू एम आएगा, इस तरह से इसका वैल्यू आपका आएगा। ठीक है, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, इसमें ड्रॉनर पाई बाई ए आपका आएगा, ड्रॉनर पाई बाई इंटू ए आएगा, यहाँ पर एक ए है तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू आपका आएगा माइनस वन माइनस रूट अंडर पाई इंटू एम, तो ए कट जाएगा तो आपका आएगा रूट अंडर पाई बाई ए आपका आएगा, तो स्क्वायर आपका हो जाएगा रूट अंडर पाई कट जाएगा तो स्क्वायर स्क्वायर आएगा। तो पहले इस इंटीग्रेशन वैल्यू को हम लिख लेते हैं, पहले जो आपका इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड ए टू द पावर फोर दूर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड ए स्क्वायर डी एक्स, इस इंटीग्रेशन वन बाई प्लस ए टू द पावर फोर का इस इंटीग्रेशन वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड ए स्क्वायर डी एक्स माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट होगा, यह का इवेंट फंक्शन है तो अगर टू डिवाइडेड ए टू द पावर फोर जीरो टू इन्फिनिट एक्स स्क्वायर टू दर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड ए स्क्वायर डी एक्स आपका आएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन होती है, ये जो इंटीग्रेशन आपका होती है इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिट आपका होती है एक्स टू द पावर एन इधर माइनस अल्फा एक्स टू द पावर एम जो होती है वन बाई एम होती है, गामा टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड एम होती है, अल्फा टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड एम आपका होती है। तो इंटीग्रेशन टू डिवाइडेड टू द पावर फोर आपका आएगा, तो आपको वन बाई एन तो वन बाई टू आपका आएगा इंटू जो आपका गामा ऑफ एन प्लस एम बाई एम तो टू प्लस वन बाई टू आपका आएगा डिवाइडेड आपका आएगा वन बाई ए आपका आएगा वन बाई ए स्क्वायर आएगा आपका, ठीक है वन बाई ए स्क्वायर टू प्लस वन बाई टू आपका आएगा। तो इस इंटीग्रेशन का जो आपका वैल्यू आएगा जो दो दो आपका कट जाएगा, तो इस इंटीग्रेशन का जो आपका वैल्यू आएगा तो आपका जो वैल्यू आएगा रूट अंडर पाई डिवाइडेड टू ए आपका आएगा रूट अंडर पाई डिवाइडेड टू ए आपका आएगा, इंटीग्रेशन वाले रूट अंडर पाई डिवाइडेड टू ए आपका आएगा, क्योंकि पहला टर्म जो आपका है माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड टू एम रूट अंडर पाई इंटू ए आपका गिवन है, तो एच इंटीग्रेशन रूट अंडर पाई इंटू टू ए आएगा, और दूसरा वाला जो इंटीग्रेशन है माइनस वन बाई ए स्क्वायर इसमें पुट कर भी देख सकते हैं, इसमें रियांज करने के बाद भी जो आपका आएगा इसमें देख लेते हैं तो आपका कुछ इस तरह से आया। तो ये जो आपका आएगा अल्फा क्यूब माने यहाँ पे वन बाई ए आपका आ गया, गामा ऑफ थ्री बाई टू आपका आएगा, तो गामा ऑफ थ्री बाई टू आपका होती है वन बाई टू इंटू ए रूट अंडर पाई होती है वन बाई रूट अंडर टू ए आपका आएगा। हाँ ओके, और उसके बाद जो इंटीग्रेशन है माइनस वन बाई स्क्वायर है माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट है इधर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है डी एक्स आपका, ये जो इंटीग्रेशन है वन बाई ए स्क्वायर आपका रूट अंडर पाई बाई इंटू ए आएगा अल्फा स्क्वायर, तो ए कट जाएगा तो आपका आएगा माइनस रूट अंडर पाई बाई इंटू ए आपका आएगा, कुछ इस तरह से आया। तो जो आपका माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड टू एम है, एक इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आएगा रूट अंडर पाई बाई आपका टू आया माइनस रूट अंडर पाई बाई आपका ए आया, तो जो आपका आएगा प्लस रूट अंडर पाई बाई फोर एम ए स्क्वायर आपका आया, यहाँ पर ए है तो फोर एम इंटू रूट अंडर पाई, और रूट अंडर पाई भी आपका यहाँ पर गिवन है इंटू रूट अंडर पाई एच का स्क्वायर आपका गिवन है, ठीक है जिस तरह से आपका गिवन है वैल्यू आपका। गिवन आपका माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड टू एम रूट अंडर पाई इंटू ए का गिवन है, तो पहला इंटीग्रेशन जो आपका जो वैल्यू आया वो क्या रूट अंडर पाई बाई
टू ए आर या माइनस रूट अंडर पाई बाई ए आपका आया। तो यहाँ पर जो आएगा माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर डिवाइडेड ए आपका क्या आएगा रूट अंडर पाई काट जाएगा। तो यहाँ पर टू एम ए स्क्वायर आएगा माइनस वन बाई टू आएगा, तो माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू काट जाएगा, तो ए स्क्वायर स्क्वायर जो आएगा फोर एम ए स्क्वायर आपका आएगा। और पहला जो वैल्यू आपका आया इंटीग्रेशन का, ये आपका दूसरा दो वैल्यू से मिला, पहला जो वैल्यू पी स्क्वायर डिवाइडेड टू एम आया प्लस जो आपका ए स्क्वायर डिवाइडेड फोर एम ए स्क्वायर आपका आया, तो टोटल वैल्यू आपका आएगा ये आंसर आ गया। ओके तो ये आपका क्वेश्चन सीरीज का आंसर है। ओके थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।